यूपी के आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र के पलिया गांव में गांव वालों के घरों पर चली जेसीबी। पुलिस की कार्रवाई से पूरे गांव में दहशत। पुलिस प्रशासन के खिलाफ गांव वालों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गांव वालों ने लगा इंसाफ की गुहार। पलिया गांव के प्रधानपति मुन्ना पासवान व स्वतंत्र पासवान, राजपति और ब्रिजभान पासवान सहित गांव के आधा दर्जन लोगों के घरों पर पुलिस ने की जबरदस्त तोड़फोड़। घरों में लगे खिड़की, दरवाजे और दीवार पुलिस ने ढहवा दिया। मकान में रखा एक एक सामान हथौड़े से तोड़ डाले। प्रधान के घर के सामने खड़े ट्रैक्टर को भी जेसीबी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि घर में रखे जेवर भी पुलिस ने लूट लिए। विरोध करने पर मारा पीटा और गालियां दी। पुलिस की कार्रवाई से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कई घरों में ताले लटक गए हैं और वहीं 28 नामजद सहित 141 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके चलते गांव के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि योगी आदित्यनाथ खुद हमारे गांव आए और हमारे हाल को देखें कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। मेरा नाम अनीता है और मेरे पिताजी का घर है और मेरे भाई स्वतंत्र कुमार और सूर्यभान उनका घर है। वो लोग मौके पर नहीं थे। सूर्यभान ड्यूटी करते हैं DLW में और मेरा भाई जो उसका ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर पाइल्स का, वो लोग नहीं थे। मेरी माँ और मेरी भाभी सिर्फ थी और ये सब लड़की का मैटर था। लड़की के लिए बच्चे सब अपने अपने झगड़ा किए और वहाँ पर मुखिया को बुलाया गया, प्रधान को, और प्रधान जब पहुँचे वहाँ पर दो पुलिस आई और पुलिस ने प्रधान को गाड़ी पर बैठाया कि चलो थाने पर। वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा अकेले, दोनों पक्ष को लेकर चलो। इसलिए पुलिस ने उन पर हमला किया, मारा, कॉलर पकड़ लिया और उनको मारा तो नाक में से खून आ गया। उनके घर का वहां पर कोई नहीं था, इसलिए जनता जब देखी कि प्रधान जी पर पुलिस मार रही है तो जनता पुलिस पर अटैक की, जो भी मारा पीटा, लेकिन उनके घर के कोई नहीं थे। इतने में ही पुलिस वालों ने बुलाकर जिला पर से आकर जिप्सी और गाड़ी सब लेकर आए और तुरंत घर तोड़ने फोड़ने शुरू कर दिए। सब नुकसान किए, गहना बिखर और सब कुछ लूट लिए, कुछ नहीं बचा है। अन्य में जो कि जहर मिला दिए हैं, शीशा कांच मिला दिए हैं, सब कुछ नुकसान हो गया है, कुछ नहीं बचा है उन लोगों का। वो लोग सर कहाँ जाएं, कहाँ पर जाएं सर? आपके घर का जो है कुल कितने रुपए का हुआ है, नुकसान हुआ है? बहुत हुआ है। मेरी दो भाभी थी, दोनों का यहाँ पर बिखर था, जो भी मेरे पिताजी चढ़ाए थे सब बिखर था। मेरे भाई का सिकड़ी और अंगूठी दोनों लोगों का था। मेरी माँ का सोने का कंगन था और मेरी भाभियों का चार चार सोने का कंगन बनवाए थे, हार बनवाए थे, नाक कान का सब बनवाए थे, सब लूट गया है। और कोयले का पैसा मेरा भाई रखा था, कोयला मंगाना था 10 लाख रुपया घर में रखा था मंगवाने के लिए कोयला, वो सब भी लूट गया है। और आपके घर में क्या क्या तोड़फोड़ हुई है? सब कुछ हुआ, कुछ नहीं बचा है। बर्तन तक, अलमारी, चार अलमारी टूटी है, बक्सा टूटा है, सब जितना सामान, एसी है, वॉशिंग मशीन है, टोटी है, गैस सिलेंडर तक, फिल्टर मशीन है और जो कि इन्वर्टर है, टीवी है, दीवार की दो दो टीवी है, सब कुछ टूटा है। फ्रिज, फ्रिज भी टूटा है, मशीन भी, सब कुछ टूटा है। पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों ने तोड़ा है, पुलिस वालों ने तोड़ा है, चिल्ला चिल्ला कर तोड़ा है कि ये अप्पू का घर है इसको तोड़ो, ये श्यामदेव का घर है इसको तोड़ो, जो कि वो लोग मौके पर मौजूद नहीं है। पिताजी साल भर मरे हुए हो गया है, लेकिन पिताजी का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर तोड़ रहे थे। मेरे मरे पिताजी को भी वो लोग नहीं छोड़े हैं सर, जो मेरे पिताजी साल भर पहले मर चुके हैं लेकिन उनको भी नहीं छोड़े हैं। आप जो है योगी सरकार से क्या मांग चाहती हैं? मैं योगी सरकार से यही मांग चाहती हूँ कि इंसाफ करे, आकर यहाँ पर देखे कि क्या हुआ है, अपनी आंखों से देखे, मुंहों से कहा ना सुने, आंख से आकर देखे कि क्या हुआ, क्या अत्याचार हुआ है।
बच्चों बच्चों के विवाद में कोई ऐसा कभी नहीं करता है जो पुलिस प्रशासन ने किया है इन घरों पर। किस थाना की पुलिस थी? कि रौनापार थाने की पुलिस थी। इसके बाद जिला पर से पुलिस आई है, सीओ आए हैं, कप्तान आए हैं, तहसीलदार आए हैं, सब मिलकर ये काम किया है, सब लोगों ने मिलकर काम किया है सर। राजनीति हुई है, राजनीति हुई, अत्याचार हुआ है। क्या आप लोग जो है गरीब परिवार से हैं तो इसलिए ऐसा हुआ है? हाँ, गरीब परिवार से हैं हम लोग, इसलिए हुआ है कि ये लोग कैसे, ये लोग घर द्वारे लोग हमारा घर द्वार देख नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारे पिताजी अधिकारी थे, उन्होंने अपने कमाई से सब बनाया था, यो थे, उन लोगों को देखा नहीं गया है। अब जो भी हुआ हो, लेकिन हम इतना ही बता दे रहे हैं कि सभी लोग आकर हमारी मदद करें, हमारा सब देखें कि हमारे पर क्या बीत रही है, कहाँ सर पानी पाए, खटिया बिस्तर तक नहीं छोड़े हैं, अन्न नहीं छोड़े हैं। एक दिन आदमी पुआस करता है तो एहसास होता है, लेकिन ये परिवार कई दिनों से पुआस कर रहा है, पानी के लिए तड़फड़ा रहा है, पानी वाली टंकी तोड़ गई है, जड़ से उखाड़ गई है, टोटी तोड़ गई है, सर कहाँ जाए, कई दिन कोई खाना देगा, कितने दिन कोई मदद करेगा। सर मदद करिए हमारी, कोयला का पैसा 10 लाख लूटा गया है और मेरे दोनों भाभियों और माँ का गहना टिक्का सब लूटा। मेरी बहन भाई माँ कहाँ सब जाए, हम लोग कहाँ जाए, सर मदद करिए सर, हमारी यही गुहार है। मेरा नाम सुरेश पासी है, मैं उत्तर प्रदेश पासी समाज का अध्यक्ष हूँ। यहाँ किस लिए आए आप? हमें पता चला है कि श्याम देव यो साहब थे, जो पासी समाज के का परिवार है, उनके परिवार में बहुत अत्याचार हुआ है, उनके मकान को ढा दिया गया है और यहाँ गांव में बहुत मातम फैला हुआ है। मीडिया के माध्यम से मुझे कल मालूम हुआ, तो मैं आज इस गांव में मुआयना करने के लिए, देखने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए, उनकी पीड़ा को बांटने के लिए, इनकी आवाज़ को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पहुँचाने के लिए, मैं इनके दुख को शेयर करने के लिए इनके बीच में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से इनके पीड़ा को भरपूर शेयर किया जाए और इनको शासन प्रशासन से न्याय दिलाया जाए, दोषी लोगों को सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ सुरेश जी, कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग भी सरकार में बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? सर, दलित समाज के लोग तो अगर सुरक्षित सीट नहीं होती तो कोई शायद एमएलए और मंत्री नहीं बन पाता, और यह दलित सीट होने के नाते ही यह हर सुरक्षित सीट से लोग आते हैं जीत करके, लेकिन दूर दूर तक इन मौका पर लोग नजर नहीं आते हैं, आए तो ऐसा लगे कि वाकई में सुरक्षित अनुसूचित के लोग जो हैं अनुसूचित के लिए भरपूर काम करते हैं। घटना को 4-5 रोज हो गया है, अभी तक किसी दलित बड़े नेता का बयान नहीं आया, अगर चुनाव मैदान में वो आ रहे हैं वोट मांगने, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप यहाँ के लोगों को? अब इन लोगों को ऐसी हालात में एक पीड़ित के लिए पीड़ा बांटना एक नेता का प्रमुख कर्तव्य होता है और यही उनका धर्म भी है। अगर वह उसकी पीड़ा को नहीं बांट पाते हैं और उसके आंसू को नहीं पोंछ पाते हैं, तो ऐसे लोगों को या पार्टी और जाति से मतलब नहीं है, उनको नकारने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है कि ऐसे लोग चाहे वो अनुसूचित जात के ही क्यों न हो, लेकिन अनुसूचित जात की पीड़ा को अगर शेयर करने के लिए, उनके दुख भरी समय में उनकी आंस पोंछने के लिए अगर वो नहीं आते हैं, तो इनको कभी वो लाइक न करें, कभी बर्दाश्त न करें, कभी इनको मत न दें, चाहे जो भी हो।